दबंगों ने रातों रात स्टे की जमीन पर कब्जा किया। युवक का आरोप पुलिस की मिलीभगत से दबंगों ने जमीन पर कब्जा किया। दबंगों ने कोर्ट के आदेश को तार तार किया। बिना किसी आदेशों के दबंगों ने कैसे कब्जा किया, पुलिस पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को जानकारी देने के बाद भी दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित युवक को दबंगों ने मारने का प्रयास किया। शोर मचाने पर गांव वालों ने पीड़ित युवक को बचाया। पीड़ित युवक ने कहा कि उक्त भूमि पर हाई कोर्ट से स्टे और कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट का आदेश प्राप्त है, फिर भी दबंगों ने जबरन जमीन पर कब्जा किया है। पीड़ित युवक न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और नानपारा पुलिस मामले को समझाने में लगी है। ये पूरा मामला बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के हुसैनी पुरवा का है। अब देखना यह है कि नानपारा पुलिस दबंगों पर क्या कार्यवाही करती है। आपका नाम क्या है? अरशद। कहाँ के रहने वाले आप? ईसा पुरवा ग्राम। थाना कौन सा? थाना कोतवाली नानपारा। तहसील कहाँ लगता है? नानपारा। क्या मामला है? ये मेरा हाई कोर्ट का स्टे है और इस पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है जी। इसको जबरदस्ती विपक्षी जो है जोत रहा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड है जी। और मैंने कई एप्लीकेशन दिए हैं जी, जिस पर कोई एसपी के यहाँ से, डीआईजी और पुलिस महानिदेशक आईजी के यहाँ से, वहाँ से लिख करके आया है कि जांच करके एफआईआर दर्ज करें जी। और थाना प्रभारी निरीक्षक और हल्का इंचार्ज दरोगा जी जो है जी, वो कह रहे हैं कि वो कुछ भी लिख करके आया है, वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड है, उसका पक्ष लेंगे, वो चाहे सही करे चाहे गलत करे। ये कितने बीघा है? ये 9.5 बीघा है जी। जी, ये 9.5 बीघा है। इस पे जो है इस पे स्टे लगा हुआ था, इस पे 2/11/2010 स्टे लगा हुआ है जी। और 4/11/2020 में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हाई कोर्ट से हो गया है जी। उसके बावजूद भी इन्होंने आज रात को 4 बजे ग्राम प्रधान के कुछ आदमी मिल करके इसको जबरदस्ती जोतवा दे, जबकि ये खेत पड़ती पड़ी थी, वो गड्ढा है सामने, उस गड्ढे से भी मालूम होता है कि ये कब से पड़ी हुई है, इसमें नटवा भी। पुलिस के द्वारा क्या सुन, पुलिस के द्वारा 112 नंबर फ़ोन किए थे, उस पर 112 नंबर पुलिस आई यहाँ पर और सभी को उधर तो गई नहीं, हमको बुला के कि थाने पे आ जाओ। थाना प्रभारी निरीक्षक को जो है मैंने फ़ोन किया और एसपी जी को फ़ोन किया, तो एसपी ने कहा कि थाना प्रभारी को फ़ोन करो। थाना प्रभारी मेरा पहले फ़ोन काट दिए और उसके बाद में जब फ़ोन उठाए तो कहे हैं कि सुबह आ जाओ, तो हम कहे सर यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, आप आ जाए, तो कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड है, जो कहेगा वही करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं। और ऐसे हाई कोर्ट के आदेश, वो चाहे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो या स्टे हो, हम अपनी जेब में लेकर टहलते हैं।